गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम प्रेप क्लास सब्जेक्ट हिंदी आपको बताते हैं ई की मात्रा। कौन सी? बड़ी ई की मात्रा। पहले मैंने आ की और छोटी ई की मात्रा आपको करवाई है, अब हम कराएंगे बड़ी ई की मात्रा। तो मैं आपको बताती हूँ बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है? ये तो मैंने आपको बड़ी ई की मात्रा बता दी। अब क्या करना है हमको, सारे व्यंजनों पर बड़ी की मात्रा लगानी है, ठीक है? जैसे मैंने लिखा क, ये क्या है क, जब हम इस पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो इसको बोलेंगे की। क्या बोलेंगे इसको? की। ये है ख, क्या है ये? ख। जब ख पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे इसको बोलेंगे खी। क्या बोलेंगे इसको? खी। ये है ग, क्या है ये? ग। ग पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे इसको बोलेंगे गी। जब छोटी की मात्रा लगाते हैं तो इसका उच्चारण स्लो होता है और इसका फास्ट, गी, जोर से, ठीक है? घ, घ पे छोटी की मात्रा घी। च, ये क्या है? च। च पे जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे, घा पे बड़ी की मात्रा लगाई घी, चा पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे ची। छ, ये क्या है? छ। छ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे छी। ये ज, ये क्या है? ज। ज पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे जी। क्या बोलेंगे इसको? जी। ज पे बड़ी की मात्रा जी। ये है झ, झ पे बड़ी की मात्रा जी। झ के बाद आता है ट, ट पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे टी। ठ, ठ पे बड़ी की मात्रा ठी। ड, ड पे बड़ी की मात्रा डी। ढ, ढ पे बड़ी की मात्रा ढी। त, जब कोई मात्रा नहीं होती है तो उसको बोलते हैं ऐसे त, इसमें किसी का उच्चारण नहीं हो रहा है। अगर इस पे आ की मात्रा लगाएंगे तो इसको बोलेंगे ता, लेकिन हम इस पे बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं तो इसको बोलेंगे ती। क्या बोलेंगे इसको? ती। ये है थ, थ, थ पे आ की मात्रा लगा देंगे था, और इसको बड़ी की मात्रा बना देंगे थी। द, द पे बड़ी की मात्रा दी। ध, ध पे बड़ी की मात्रा धी। न, जब कोई मात्रा नहीं होती है तो उसको बोलते हैं न, और मात्रा लग जाएगी तो इसको बोलेंगे नी। इस पे हमने बड़ी की मात्रा लगाई है तो इसको बोलेंगे नी। त, थ, द, ध, न। फिर आएगा प, प पे बड़ी की मात्रा पी। फ, फ पे बड़ी की मात्रा फी। ब, ब पे बड़ी की मात्रा बी। भ, भ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे भी। क्या बोलेंगे इसको? भी। म पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे मी। य पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे यी। र, र पे बड़ी की मात्रा री। श, श शलगम, इस पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे इसको बोलेंगे शी। क्या बोलेंगे इसको? शी। श के बाद आता है ई वाला श, षटकोण वाला श, शी। और ये स, स सलेट, इस पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे सी। इसके बाद आता है ह, ह पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे ही। उसके बाद आता है ख से क्षत्रिय, इस पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे क्षी। त्र, त्र पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे त्री। और ये ग्य, ग्यानी पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे गी। ये तो हो गई हमारी मात्रा, किसकी? बड़ी की। सारे व्यंजन लिखे हमने और व्यंजनों पे बड़ी की मात्रा लगाई। अब हम इसके शब्द भी आपको बता देते हैं साथ में, ठीक है? बड़ी की मात्रा के शब्द यहाँ से हम आपको शब्द लिखवा देते हैं, ठीक है? जैसे मैं इसी से आपको समझाऊंगी, जैसे मैंने इसको लिखा की, ये की, और ये ल।
मतलब कील। ठीक है, ना पे बड़ी की मात्रा लगाई नी, कहां पर है नी, ये देखो नी ल नील। सा पे बड़ी की मात्रा सील। हा पे बड़ी की मात्रा हील। चा पे बड़ी की मात्रा चील। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको और बता देती हूँ। पा पे आ की मात्रा पा और ना पे बड़ी की मात्रा नी, पा नी पानी। ना नी नानी। ना पे आ की मात्रा जिसको बोलेंगे ना और इसको बड़ी की मात्रा नी, ना नी, दोनों को एक साथ बोलेंगे नानी। चा, चा पे आ की मात्रा चा और चा पे छोटी बड़ी की मात्रा ची, चाची। दा पे आ की मात्रा दा और दा पे बड़ी की मात्रा दी, दा दी दादी। का, का पे आ की मात्रा का और एक का पे हमने लगाई बड़ी की मात्रा का की, का की। और बताते हैं हम आपको बड़ी की मात्रा के शब्द। माँ पे आ की मात्रा माँ और मी मामी। ठीक है, प, पा पे कोई मात्रा नहीं जिसको बोलेंगे प और रा पे बड़ी की मात्रा री, प री परी। फ, फा पे कोई मात्रा नहीं है और ये ला पे बड़ी की मात्रा फ ली। क ली कली। देखो ना, अब ना पे मैंने बड़ी की मात्रा लगा दी नी और ला पे भी बड़ी की मात्रा लगा दी ली, नीली। ये हमारी बड़ी की मात्रा के शब्द है। ठीक है, एक बार मैं आपको सारा वापस से रिवीजन करवा देती हूँ। ये है बड़ी की मात्रा, ऐसे लगती है ये। इसको हम व्यंजनों पर जब लगाएंगे तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे। का पे बड़ी की मात्रा की, ख पे बड़ी की मात्रा की, बी घी, ची ची जी घी, पी पी बी घी, पी पी बी घी, नी पी पी बी घी, मी ली री ली ली, वी शी शी, सी ही। बीच में ये लाइन रह गई थी। ठीक है, री ली वी शी शी सी ही शी त्री गी। ये सारी बड़ी की मात्रा है। इसके हम शब्द भी बता देते हैं आपको। का पे बड़ी की मात्रा कील। ना पे बड़ी की मात्रा नील, सील, हील, चील, चील, पानी, पानी, नानी, नानी, चाची, चाची, दादी, दादी, काकी, काकी, मामी, मामी, परी, परी, फली, फली, कली, कली, नीली, नीली। ये बड़ी की मात्रा के शब्द हैं। ठीक है।